अभी भी वैकेंसी निकला है कलाकारों के लिए जो लेकिन चयनित कला दल जो होता है टीम लोगों के लिए उसको नई जानकारी के चलते मतलब हम लोगों का आदमी लोग पीछे रह जाता है समझ गए इसको समझना है और अब तो बहुत कुछ जानकारी तो गूगल से भी मिल जाता है तो बता दे रहे हैं इसके लिए का चीज को देखना नहीं देखना और उसके लिए हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा एक जगह होना पड़ेगा और आवाज उठाना पड़ेगा एक मंच पर आना होगा तब हम लोगों का अभियान होगा विकास होगा और जो भी भाई संगीत प्रेमी से जुड़ा हुआ है और इंटरेस्ट रखता है वैसे वैसे लोगों को भी बताइए और हम लोगों को हम चाहते हैं कि हम लोगों का अगर कार बन रहा है तो मेरे हिसाब से जो महली लोग हैं ना जो 15 किस्म का ढाक बजाता है रात भर में 15 किस्म का नेग होता है सहनाई 15 किस्म का बजाता है तो हो सकता है जो आज का कलाकार लोग है सब कलाकार को 15 किस्म का राग पता नहीं होगा वो कलाकार कहला रहा है लेकिन जो महली लोग है जो रात भर बजाता है 15 किस्म का राग ढाक और नाचने ही में परिचने में कई किस्म का बजाता है तो वो कलाकार है कि नहीं तो मेरे हिसाब से वो भी कलाकार है तो हम लोगों को अगर पेंशन मिलेगा या सरकार का योजना का फायदा मिलेगा तो हम चाहते हैं उन लोगों को भी मिले समझा जो उन लोग भी मेरे हिसाब से कलाकार है और जो हाँ स्टेज में नहीं पहुंच पाता है जो हम लोग कलाकार समझते हैं या जानते हैं जो स्टेज में गाना गा रहा है उसको भर जिला में बहुत सा नुक्कड़ नाटक करने वाला कलाकार लोग हैं नुक्कड़ नाटक करने वाला कलाकार लोग को हम लोग नहीं जान पाते और वो इसलिए नहीं जान पाते हैं कि सिर्फ हम लोग स्टेज करते हैं उससे हमको कहीं जरूरत नहीं है हमको लोन की मादर लेके गाँव गाँव में नुक्कड़ नाटक करना नहीं है कार्यक्रम नहीं करना है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है हम अगर स्टेज का सिंगर है तो हम जो जिसके पास पैड है जिसके पास कीबोर्ड है जिसके पास नाल है जिसके पास साउंड बॉक्स है वो लोगों को सिर्फ जान रहे हैं जो डांसर है जो भोजपुरी नाचती है जो हिंदी नाचती है ये सब को हम लोग जानते हैं लेकिन गांव में जो जोड़ा के नाचते हैं वो भी कलाकार है ना जो परिछन करते हैं जो मादर और ढोलक के साथ जो नाचते हैं तो कुरुख में भी तो गायक गायिका है तो हम चाहते हैं जो अखाड़ा में भी गाने वाला लोग कलाकार लोग है जो हर समय एक्टिव रह के पर्व त्योहार में एकजुट होकर नाचता देखता है वो लोगों कुरुख का भी जो टीम है वो टीम को भी हम लोगों को सेलेक्ट करना है मुंडा में जो गाना गाता है तो मुंडा लोग का भी असुर भाषा में भी गाना गाने वाला है तो उसको भी हम लोगों को लेना है समझे ना तो इन लोगों को जोड़ के और जो भी छोटा मोटा कलाकार लोग हैं उन लोगों को समझाइए बात को और एकजुट होइए और हम लोग कुछ बड़ा मांग करते हैं अपना एक पहचान के लिए सबसे पहले तो कार्ड का मांग करते हैं फिर लोहरदगा जिला में क्लब भवन हो और लोहरदगा जिला में भरना हो हर प्रखंड स्तर पर हो जहाँ गांव के आदमी फ्री में निःशुल्क आके वहाँ सारा व्यवस्था बजाने का रखा हुआ रहे और वहाँ हम लोग नाचे गाएँ और टेकें जो गाँव घर का है जो कि दूर आके नहीं कर सकता है तो जैसे आप लोग लोहरदगा आ गए सक्षम थे इसलिए लेकिन जो आपके हर लोग नहीं आ पाएंगे इसलिए वैसा हम लोग व्यवस्था मांग करने प्रयास करेंगे जो कि हर प्रखंड में वैसा क्लब फोन हो जहाँ ढोलक मांदर बांसुरी कीबोर्ड पैड नाल रहे और जो नाचने डेगना चाहता है उसके लिए जगह भी रहे नाचे डेगे भी इस तरह का करना समझे ना इसलिए आप लोग आइए आए आप लोग सुन के खाली वर्ड सुने इस तरह का कलाकारों का कुछ फायदा का ही अच्छा बात हो रहा है और देखिए तो बहुत अच्छा लगा और बात और भी शेयर कीजिए और इस चीज़ को इसीलिए हम कुछ कुछ यूट्यूब में सब में भी डाल के और बोल के बोलने का प्रयास किए कि जिला का सब कलाकार का नंबर नहीं है बहुत से लोग आते नहीं है बहुत लोग इधर उधर बाहर उधर भी गए हुए थे जहाँ कहीं भी होंगे लेकिन अगर वो कहीं भी होंगे मेरे पास अगर भेज देते हैं अपना कागज वगैरह हम सदस्य बना देंगे उनको समझे ना कि फिल्म विभाग का पक्का पक्की सदस्य ठीक है।